हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। लास्ट सेशन में हमने एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी की, जिसमें हमने अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट किया। एंड उसके बाद अब हम करते हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम, कैसे नेशनल इनकम है इसको डिटर्मिन की जाती है। तो आज हम इस सेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और आउटपुट करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट जी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई लाइक दिस। जो नेशनल इनकम है और आउटपुट है जे भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ पर जी दोनों इक्वल होते हैं वहाँ पर ही इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर ही नेशनल इनकम आउटपुट डिटर्मिन हो जाता है। तो जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड के टू बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है, वो है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एंड केस ने अपने मॉडल में जो कंजम्पशन है ये क्या ली है, कहते अगर इनकम जीरो भी हो तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जो सी नोट है ये कौन सी कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, जो इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट होती है। अगर हम इनकम कुछ भी अर्न नहीं करें, हमारी इनकम जीरो है, तब भी हम बेसिक कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे हम पास्ट सेविंग से करें, तो वो क्या होगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड हमारी कंजम्पशन का एक पोर्शन है जो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो वाई क्या है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो नेशनल इनकम सभी की सभी कंज्यूम नहीं होती, जे किसके ऊपर डिपेंड करती है, बी। बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी तो नेशनल इनकम का ज़्यादा पोर्शन है वो कंजम्पशन पर खर्च हो जाएगा। इस तरह केन्स ने अपने मॉडल में जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड के कंजम्पशन के टू फैक्टर्स लिए हैं, जिसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन, नेशनल इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को स्टडी किया है। एंड लाइक दिस जो इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ली है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट ली है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट होती है। आपकी इनकम हो या ना हो, जी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमको रिक्वायर्ड है, वो इकोनॉमी करना ही पड़ेगा। इस तरह जो केस है, केस ने एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है इसकी पार्टीशन की है, एंड उसके बाद इसके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स लिए हैं। तो इस तरह केस के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड आता है, जिसको हम इनकम भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी डिमांड है, हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो किसी न किसी अदर पर्सन की इनकम बन जाती है। इसीलिए देश में जितना भी आउटपुट होता है वो क्या होता है, इनकम के इक्वल हो जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू इनकम, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस नेशनल इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह ये फॉर्मूला केन्स ने दिया है। तो इसमें क्या कहा गया है, मान लो इनिशियली जब इकोनॉमी में कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई है, उस टाइम आपकी इनकम क्या होगी, जीरो। अगर इनकम जीरो है, ऑटोनोमस कंजम्पशन जीरो होगी, कभी भी नहीं। तो मान लो जी कितनी है, ₹25 करोड़। एंड जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो इनिशियली डिवेल्प कर रही हैं, अंडर डिवेल्प कंट्रीज हैं, इनमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होता है। उन्होंने अज्यूम किया, मान लो जी कितना है, 0.75। एंड जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो हमने अज्यूम की है
₹75 करोड़। तो इस तरह जो हम इनकम को फॉर्मुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला आ जाता है 25 ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम। अगर इनकम जीरो है तो जी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, प्लस 75 जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे इनकम एंड आउटपुट की। तो जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के लिए केन्स कहते हैं टू कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एक्स एंटी सेविंग है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम अब इसको टेबल के थ्रू करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डिजायर्ड सेविंग्स एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। जो एक्स एंटी सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, इनको हम डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो टेबल में हम जहाँ पर ले रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, एंड हेयर कंजम्पशन, कंजम्पशन के टू पार्ट्स हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम, एंड सेविंग। सेविंग क्या होती है, जो भी हमारी इनकम है इनकम में से हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग्स। जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स हमेशा कैसे होती हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन। एंड इधर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कौन सी ली है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरह कैसे इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जा सकता है, मान लो आपके इनिशियल लेवल ऑफ इकोनॉमी में जो एग्रीगेट सप्लाई है, इनकम है, वो जीरो है। अगर जीरो है इस टाइम, क्या आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो हो सकता है, नहीं। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी होगी, 25 जो हमने अज्यूम किया था। एंड जो सेविंग है, सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस कंजम्पशन, जीरो माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 25। एंड इन्वेस्टमेंट कितनी है, 75 जो हमने ऑटोनॉमस ली है। एंड एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो 25 प्लस 75 कितने आ गया, 100, ये एग्रीगेट डिमांड होगी। तो जब 100 की डिमांड है तो हम इसको ले रहे हैं रुपीस करोड़ में, जितनी भी टर्म्स हैं इन रुपी करोड़ में ले रहे हैं। तो जो 100 करोड़ की डिमांड है, नेक्स्ट सर्कल में ये बन जाएगी एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि ये किसी की इनकम है, देन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट से प्रोडक्शन होगी। तो मान लो नेक्स्ट टाइम सर्कल में एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है रुपीस 100 करोड़ की, एंड कंजम्पशन कैसे आ जाएगी, वो आती है 100। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 25 जो ऑटोनॉमस है प्लस 0.75 3/4 इनटू इनकम, इनकम कितनी आ गई, 100। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 25 प्लस 75, ठीक है, प्लस 75 जो इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरह ये बन गया 100। एंड सेविंग क्या होगी, 100 माइनस 100 जीरो, इन्वेस्टमेंट 75, एंड एग्रीगेट डिमांड कितनी आ गई, 25 प्लस 75 प्लस 75 175। एंड नेक्स्ट सर्कल में क्या होगा, जे 175 एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगी और ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जब हम वैल्यूस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाती है 156, सेविंग्स आ जाती है 19, एंड इन्वेस्टमेंट आती है 75। तो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी 231। तो नेक्स्ट सर्कल में मान लो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जी हो जाती है 300 करोड़, एंड जो कंजम्पशन है, जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास लेट्स सपोज जी आ गई 250 करोड़ की, एंड जो सेविंग्स हैं 300 माइनस 250 इक्वल्स टू 50 करोड़, एंड इन्वेस्टमेंट 75 करोड़, एंड एग्रीगेट डिमांड 250 प्लस 75 इक्वल्स टू 325। एंड नेक्स्ट सर्कल में लेट्स सपोज 400 है वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई बन जाती है, और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, कंजम्पशन आ गई 325,
सेविंग्स आ गई 400 - 325 = 75 एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 75 है एंड एग्रीगेट डिमांड कितनी बन गई 400। तो इस लेवल पर जो केज ने टू कंडीशंस दी थी, एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एंड एक्स एंटी सेविंग्स इक्वल्स टू द एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है एंड एक्सपेक्टेड सेविंग्स एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट के भी इक्वल है। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन बन जाती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है। हम इसमें इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देते हैं जिसमें सब कुछ जो केन्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। तो मान लो अगर इसके बाद भी नेक्स्ट सर्कल में 500 एग्रीगेट सप्लाई हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है? जो कंजम्पशन है 400 की हो जाएगी, सेविंग्स 100 की हो जाएंगी एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 75 की हो जाती है एंड फर्दर एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है? रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है 475, जबकि सप्लाई क्या है? ज़्यादा है। तो इस तरह आने वाले टाइम में जो बूम है, बूम की कंडीशन डिप्रेशन में चेंज हो सकती है। तो ट्रेड सर्कल है जो ट्रेड सर्कल को भी डिफाइन करते हैं। तो इस तरह केस ने इस टेबल एंड डायग्राम के थ्रू अपनी जो इक्विलिब्रियम है वो क्रिएट किए हैं, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो सकती है। तो अब हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमारा डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस में ले रहे हैं हम नेशनल इनकम एंड वाई एक्सिस पर लेंगे कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो ए एस है ये एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के कर्व है। कंडीशंस क्या हैं इक्विलिब्रियम के लिए? फर्स्ट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। नंबर टू, सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ची कंडीशंस हैं जहां पर हमारी 400 पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा था, तो इसको हम इक्विलिब्रियम को कैसे बनाएंगे? तो जैसे नेशनल इनकम ले रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व है पहले हम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड सप्लाई कर्व बना हुआ है, तो जो डिमांड कर्व है इसके लिए सेविंग्स कर्व है, कंजम्पशन कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व ये बनाने हैं। तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट कर्व। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है जे 75 करोड़ है, जो क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल कर्व बन जाएगी। तो इस तरह ये आगे हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व, जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपकी नेशनल इनकम कुछ भी हो उसके लेवल से ये इंडिपेंडेंट है। एंड अगर हम कंजम्पशन कर्व बनाएं तो कंजम्पशन क्या रिप्रेजेंट करती है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अब हम बनाते हैं कंजम्पशन कर्व। तो ये बन गई हमारी सी कंजम्पशन कर्व, जो इन्वेस्टमेंट से कम है, ठीक है, एक लेवल पर इसकी इक्वल हो जाती है, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जो अब एग्रीगेट डिमांड बनेगी, एग्रीगेट डिमांड क्या थी? एग्रीगेट डिमांड में हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है इन दोनों की इंक्लूड कर देते हैं। तो जो जे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें जो इन्वेस्टमेंट का जे पोर्शन है हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड। तो अब हम करते हैं एग्रीगेट डिमांड, जो क्या होगी? जो कंजम्पशन है इससे अपर जाएगी। तो हम अब बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। इस तरह से हमारी आ गई एग्रीगेट डिमांड कर्व, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जहां पर इक्वल हो गया। लेकिन इस लेवल पर हमारी सेकंड कंडीशन सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल भी होनी चाहिए। तो इस लेवल पर तो सेविंग, अब सेविंग कर्व बनाते हैं। तो सेविंग कर्व क्या है? सेविंग क्या है? इनकम माइनस कंजम्पशन। जो हमारी इनकम है इससे हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। जब तक हमारी इनकम जो इनकम कर्व है, जब हमारी इनकम जीरो थी तब भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे थे, दैट मीन क्या हो गया कि उस टाइम हम नेगेटिव सेविंग कर रहे थे, मीनिंग दिस सेविंग, जिसका मीनिंग है हमारी पास्ट सेविंग थी, हम उनसे कंज्यूम कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में जब तक इनकम कंजम्पशन के इक्वल नहीं हो जाती तब तक हमारी जो सेविंग्स हैं वो सेविंग्स नेगेटिव होती हैं। तो हम सेविंग कर्व है
नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो डाउनवर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव पार्ट होता है। इसमें क्या होगी, सेविंग्स यहाँ तक नेगेटिव हैं, और जहाँ पर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी वहीं पर हमारी जो सेविंग्स हैं एक्स एक्स से मीट होगी, जहाँ पर जीरो होगी। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती है, हमारी सेविंग्स हैं पहले नेगेटिव थी फिर जीरो होगी, अब पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब हमारी सेविंग्स हैं पॉजिटिव होंगी, और ये कहाँ पर इक्वल होती हैं, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। तो ये कब है, और हमारी जो कंजम्पशन है ये हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल है। तो इस तरह हमें पता है कि हमारी सेविंग है इन्वेस्टमेंट के इस पार्ट पर इक्वल होगी, तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे, तो इसको इन्वेस्टमेंट कर्व पर मैच कर देंगे, और उसके बाद जो सेविंग्स हैं इन्वेस्टमेंट को सरपास कर जाएंगी। तो ये बन गई हमारी सेविंग्स कर्व। तो इस तरह जो ये पोर्शन है इस पर हमारा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, ओ ई लेवल पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। ओ वाई इनकम है वो डिटर्मिन होगी जहाँ पर हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है, एंड इसी पर एक्स एंटी सेविंग एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाते हैं। इस तरह इकोनमी में इक्विलिब्रियम है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह केन्स ने नेशनल इनकम है इसको डिटरमिन किया है, जो अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए केन्स ने इफेक्टिव डिमांड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्ट्रेस दिया है। तो वो कहते हैं शॉर्ट रन में हम कंजम्पशन है इसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम है हमारी इनकम है आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। विद दिस हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट है विच ए टॉपिक कम्प्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम केन्स थ्योरी की फीचर्स करेंगे। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।